Hi, welcome to Social Shots. आज हम करने वाले हैं that how a chief minister of any state is elected. Basically, एक chief minister के election में जो important होता है वो होता है कि जो उनके MLAs होते हैं, ठीक है, एक state में जो assembly होती है that is known as the legislative assembly. Okay, विधानसभा उसे हिंदी में कहते हैं. एक स्टेट में पहले विधानसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं, यानी पहले एमएलए सिलेक्टेड होते हैं, उसके बाद वो एमएलए मिलके अपना एक लीडर चुनते हैं, और वो लीडर जो होते हैं दैट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. अब वो एमएलए कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? जो एमएलए का जो एरिया होता है वो एमपी के एरिया से थोड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है. सो आपके यहाँ पे जो इलेक्ट हुए हैं वो एक होंगे सांसद और एक होगा विधायक. तो जो सांसद होते हैं वो होते हैं एमपी, उनका एरिया थोड़ा बड़ा होता है और वो जाते हैं पीएम के सिलेक्शन के लिए, और जो एमएलए होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं सीएम को, उनका एरिया थोड़ा छोटा होता है और वो कहलाए जाते हैं विधायक, ठीक है. सो पहले आप लोग अपने जो एरिया है उसके विधायक को चुनते हैं, उसके एमएलए को चुनते हैं, उसके बाद वो एमएलए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में, और वहाँ जाके वो अपने जो अपना एक लीडर चुनते हैं, और वो लीडर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की. ओके, सो आई होप आपको ये इलेक्शन का जो खूबसूरत प्रोसेस है वो समझ आया होगा. Stay tuned for the next jo short hai, that will be how the Prime Minister is elected. All right, bye bye and take care.